तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त एवं अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी आया हूं पटना। पटना में आया था कुछ मीटिंग से, मैंने आप लोगों को वो ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया हूं। और उसके साथ साथ घूमने के लिए आ गया था सेंट जेवियर्स कॉलेज पटना वाला, जो दीघा में है। तो यहीं एक फ्रेंड मिल गया, तो मैंने सोचा कि सेंट जेवियर्स कॉलेज के बारे में आप लोगों को जानकारी देते चले। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, और यहाँ के बारे में मैं आप लोगों को पूरा कैंपस का टूर करवाता हूँ, और यहाँ के बारे में, यहाँ के प्रोसेस के बारे में, एडमिशन फीस और क्या क्या यहाँ का प्रोसेस होता है, वो सब कुछ मैं अपने दोस्त से पूछकर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, मैं आपके अभी अपने दोस्त से मिलाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको अपने दोस्त से मिलाता हूँ जो सेंट जेवियर्स कॉलेज पटना में अपना पढ़ाई कर रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त से इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा, तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो भाई। तो मेरा नाम सुशांत कुमार हुआ, हम सेंट जेवियर्स कॉलेज से BCA का कोर्स कर रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें। अच्छा, मतलब अभी BCA कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर है। यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है सेंट जेवियर्स कॉलेज में? तो इसमें से इसमें अगर एडमिशन चाहते तो यहाँ पे 3 स्टेजेस है। यहाँ पे आपको पहले JET का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आपका एडमिशन यहाँ पे होता है। मतलब इंटरव्यू के बाद एक मेरिट लिस्ट के अनुसार? हाँ, मेरिट लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सुविधा है? हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सुविधा है, प्लस अर्न एंड लर्न स्कीम भी इस कॉलेज में है। तो अगर गरीब फैमिली से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप 5 कोर्सों का यहाँ पे कर सकते हैं। वो 5 कोर्स जानना चाहेंगे, क्या क्या 5 कोर्स? यहाँ पे 5 कोर्सेस होता है, BCA होता है, BBA होता है, BBA IB होता है, BCP होता है, BJMC मास कम्युनिकेशन भी होता है, और अगले साल से ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बन रहा है। अच्छा सुशांत जी, आपने बोला कि यहाँ पे लर्न एंड अर्न दोनों की सुविधा है, तो मतलब अर्न को कैसे करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे अर्न वैसे यहाँ पे बहुत सारा डाटा एंट्री का काम होता है, तो कॉलेज यहाँ पे आपको देगा, वहाँ पे जितना काम कीजिएगा उस घंटे के अनुसार आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा, उसी फी में वहाँ पे सटेगा। मतलब वो काम कॉलेज के स्टूडेंट भी कर सकता है? हाँ हाँ, कॉलेज वही करता है, वही करता है, और उससे अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं, और साथ साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा है, वहाँ से भी आप अपना फीस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ का लगभग फीस कितना होता है यहाँ पे? एक साल सब कोर्स का अलग अलग फी है, जैसे कि यहाँ पे BCA अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 लाख रुपये है, और 2 लाख 3 लाख मतलब अप्रोक्स 4 लाख में बहुत सभी कोर्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट के साथ साथ यहाँ पे लर्न एंड अर्न, मतलब कि आप यहाँ पे रहकर अपना काम भी कर सकते हैं और अपना खुद का खर्चा भी निकाल सकते हैं। तो जो गरीब फैमिली से हैं उनको भी यहाँ पे पढ़ने का मौका आसानी से मिल सकता है। तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में जैसा बताया गया है वैसा एक बार फॉलो करें, और एक बार एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। और हम एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधा है? यहाँ पे गर्ल्स लोग के लिए हॉस्टल है, यहाँ पे जो फेयरफील्ड कॉलोनी के पास है सेंट जेवियर्स कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे आप बॉयज लोग के लिए भी है, तो वहाँ पे भी आप मेस के जरिए आप रह सकते हैं। वहाँ पे 5,000 ओनली फॉर गर्ल्स, बॉयज के लिए? बॉयज के लिए भी यहाँ पे है। हाँ। सामने में भी है, दो यहाँ पे हॉस्टल है। मतलब कैंपस का ही हॉस्टल है? कैंपस का नहीं, इसी से स्पॉन्सर किया गया है। अच्छा अच्छा, मतलब बॉयज लोगों के लिए भी हॉस्टल की सुविधा दी जाती है? हॉस्टल की भी सुविधा है यहाँ। अच्छा, तो जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इस कैंपस को थोड़ा सा, हाँ, कैंपस टूर कर ले तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। Drop it.
तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं कलाम हॉल के पास, जो संजय वेयर्स कॉलेज का ही हॉल है। तो अभी हम दोस्त से पूछने की कोशिश करते हैं, जानकारी लेने की यहाँ ये हॉल किस लिए है। तो सुशांत, यह इस हॉल के बारे में थोड़ा सा अभी संक्षिप्त बता दो, क्यों है? तो इसमें कॉलेज का जितना भी प्रोग्राम है इसी हॉल में होता है, और एग्ज़ाम वगैरह इसी हॉल में होता है। एग्ज़ाम भी इसी हॉल में? हाँ, इसी हॉल में होता है। जितना भी फंक्शन होता है। कितना बड़ा हॉल है? बहुत बड़ा, इसमें लगभग 200-300 आदमी बैठ जाएगा एक बार। ओहो, बहुत अच्छा बड़ा हॉल है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार पीछे वाले कैमरा से पूरा आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों बहुत सी जानकारी बच गई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एग्ज़ाम होता है जेट का, हाँ जेट का, वो अप्रैल महीना में शायद अप्रैल में होता है। हाँ। तो कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो हम भाई को बता देंगे तो। अच्छा, तो आप लोगों को यदि पूरी जानकारी चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, कॉलेज का वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आकर आप उसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और कुछ जानकारी बच गया है तो भाई बता दो, और बाकी वेबसाइट पे सब मिल जाएगा। वेबसाइट पे वहाँ पे विजिट कीजिए, सभी चीज़ें मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है तो वहाँ पे पता चल। सिलेबस वगैरह भी सब पहले बता दिया जाता तो पहले पढ़ कर आना, बहुत टाइट है इसमें, पढ़ कर ही एग्ज़ाम दीजिएगा, नहीं तो फेल हो जाइएगा। अच्छा, तो जो एग्ज़ाम को पास करेगा उसके बाद ही मेरिट लिस्ट में आएगा, उसके बाद ही नामांकन हो सकता है। उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं, बिना एग्ज़ाम क्लियर किए हुए नहीं, बिना एग्ज़ाम का नहीं है। अच्छा, तो ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, यदि चैनल पे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो धन्यवाद।